बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये थे मीट चपली कबाब मंगवाए थे, तो मैंने कहा वीडियो। हाँ, मैंने आलू बॉईल करने रखे थे। मैंने सोचा आलू ख़राब ना हो जाएं, ग्रीन से थोड़े थोड़े होने लगे थे, तो मैंने सोचा चलें इसे बॉईल करके इसका कुछ बनाऊँगी। इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी मैं। ये मसाले के बॉक्स एम्प्टी हुआ था, ये सारा अब मैंने फिल किया है। अब जो चिकन को मैंने विनीगर और सॉल्ट लगा के अच्छी तरह से 15 मिनट रख के फिर वॉश कर लिया था। मैंने कट वगैरह नहीं लगाई, ऐसे ही मैं बना लूंगी। तो अब इसे मैरिनेट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें मैं जोगर्ट डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी, रेड चिल्ली पाउडर, बसार जो होती है वो, ये कश्मीरी मिर्च कलर के लिए ये डालूंगी, ये नमक डाला है, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी क्रश चिली और ये गरम मसाला। तंदूरी मसाला डालूंगी। ऑलिव ऑयल, ग्राउंड जिंजर पाउडर डालूंगी। गार्लिक पाउडर मेरा फिनिश हो गया था, तो पड़ा था मेरे पास, तो वो मैं ढूंढ के अब मैंने लिए इसमें डालूंगी गार्लिक पाउडर। और रेड कलर थोड़ा सा डालूंगी ये भी। अब ज्यादा ही हो गया, चले निकाल दिया मैंने इसे। अब ये सारा कुछ डाल के इसे मैं मिक्स करके दिखाती हूँ आप लोगों को। लेमन जूस ये भी डालूंगी। हाँ जी, अब मैं मिक्स कर लेती हूँ।
हाँ जी जी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं बेकिंग ट्रे में इसमें डालूंगी, ऐसे रख दूंगी बेकिंग ट्रे में। अब जो जो मसाला बचा था ये भी इसके ऊपर ही लगा देती हूँ। अब इसे मैं रख दूंगी शाम तक डिनर टाइम के लिए, जो मैं बनाऊंगी। Thank you.
पाउडर जो भी सारे हैं सारा इसमें डाले हुए हैं मैंने। अब इस पे लिड लगा के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी मैं। हाँ जी, जो पोटैटो भी अब मैं इसमें डाल के रख दूंगी, गरम है अभी तो। चलो तो शाम को फिर डिनर के लिए ये रेडी हो जाएंगे सारा। अब इससे भी क्लीम क्लीम लगा के मैं फॉइल पेपर लगा के बाहर ही रखूंगी, अभी गर्म है, जब फ्रिज में नहीं रखूंगी खराब हो जाएंगे। हाँ जी, डिनर हमारा रेडी था तो बहुत नाइस स्पाइसी बने थे, और ये रोस्टेड पोटैटोस ये भी नाइस बने थे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।